नमस्ते। जो बच्चे या जो लर्नर्स स्टेज 1 एबेकस कोर्स कर रहे हैं फिलहाल, और फिलहाल उन्होंने लेसन 1 से लेके लेसन 4 तक सारे समझ के प्रैक्टिस करके हो गए हैं, तो हो सकता है उनको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अड़चन आई हो या डिफिकल्टी आई हो, तो वो सिचुएशन मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें अगर पहला नंबर 99 या 98 या 97 जैसा कोई बड़ा नंबर है, ओके, पहला नंबर अगर 99, 98 या 97 है, और उसमें हमें अगर कोई 1 डिजिट नंबर ऐड करना है जो हम डायरेक्टली उसमें नहीं कर सकते, तो वैसे सिचुएशन में उसको कैसे डील किया जाता है वो आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन 3 एग्जाम्पल्स की मदद से। ओके, सो एक बार ये तीनों एग्जाम्पल्स गौर से देख लीजिए, आपको एक बार वो समझ में आ जाए तो आप कोई भी ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो आप आसानी से उसको हैंडल कर पाएंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है 99+1। ओके, सो 99+1 करते समय पहला नंबर मैं 99 ले लेता हूँ। अभी इसमें मुझे 1 ऐड करना है। 1 ऐड करने के लिए मैं यूनिट्स प्लेस पे देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पे एक भी बिट नीचे अवेलेबल नहीं है, और तो इसका मतलब हम डायरेक्टली 1 तो ऐड नहीं कर सकते। फिर हम देखेंगे कि ऊपर का 5 वाला बिट भी ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो इसीलिए हम स्मॉल फ्रेंड की मदद से भी नहीं कर सकते, और इसीलिए हम इसका बिग फ्रेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 1 का बिग फ्रेंड फॉर्मूला होता है -9+10, सो वो हमें यहाँ पे अभी यूज करना है। सो -9 तो हम यूनिट्स प्लेस पे कर देंगे, लेकिन +10 जो पार्ट है वो इमीजिएट लेफ्ट रॉड पे होना जरूरी होता है। ओके, सो -9 करने के बाद +10 करते समय हमें इमीजिएट लेफ्ट रॉड पे 1 ऐड करना होता है, लेकिन इमीजिएट लेफ्ट रॉड पे अभी अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक भी बिट अवेलेबल नहीं है और ऊपर का 5 भी यूज हो चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमें 1 ऐड करना है तो हमें फिर से 1 का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो सोचना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे भी हमें 1 का बिग फ्रेंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो वो होगा -9 और उसके बाजू वाले रॉड पे +10। ओके, सो 2 बार हमने 1 का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ गई, एक बार यूनिट्स प्लेस से जब हमने शुरू किया तब, और फिर उसको फिनिश करते समय हमें टेंथ प्लेस पे भी फिर से -9+10 करना पड़ा। ओके, सो 2 बार +1 का फॉर्मूला यूज करना पड़ा, और फाइनली हमारा आंसर आया है 99+1 का आंसर 100, यानी कि 100 आ गया। एक बार जल्दी से ये फिर से ये एग्जाम्पल देख लीजिए, बाद में मैं दूसरे 2 एग्जाम्पल्स भी बता देता हूँ। पहला नंबर था 99 और इसमें अगर हमें 1, अभी 1 के बजाय अगर कोई 2 या 3 या 4 ऐसा कोई भी नंबर अगर 1 डिजिट नंबर हमें ऐड करना होता तो सेम थॉट प्रोसेस यानी कि सेम थिंकिंग हमें यूज करनी पड़ती। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते या स्मॉल फ्रेंड की मदद से नहीं कर सकते तो उस डिजिट का बिग फ्रेंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और बिग फ्रेंड फॉर्मूला में यूज करते समय यहाँ पे उसका बिग फ्रेंड माइनस होगा और बाजू वाले रॉड पे +10 का फिनिश करना है। सो +10 यानी कि नेक्स्ट रॉड पे हमें यहाँ पे 1 ऐड करना होता है, और 1 ऐड करने के लिए अगर बीड अवेलेबल ना हो तो उसका फॉर्मूला फिर से हमें यूज करना पड़ता है। ओके, सो ये थिंकिंग हमें ऐसे सिचुएशंस में हमेशा यूज करनी पड़ सकती है। तो शुरू करते हैं। अभी फिर से 1 ऐड करते समय यहाँ पे मुझे 1 ऐड करने के लिए कुछ भी डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, स्मॉल फ्रेंड से पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं बिग फ्रेंड फॉर्मूला यूज करूंगा जो है -9 और +10। सो +10 करने के लिए मुझे यहाँ पे टेंथ प्लेस वाले रॉड पे 1 ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे फिर से 1 बिट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे फिर से मैं 1 का बिग फ्रेंड फॉर्मूला यूज करूंगा जो है -9 और उसके बाजू वाले रॉड पे +10। ओके, सो टेंथ प्लेस के बाजू वाले रॉड पे मैंने +10 करके ये फाइनली 1 का एडिशन पूरा कर दिया। सो 99+1 का आंसर आ गया 100 यानी कि 100। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो है 98। ओके, 98 ले लिया, उसमें मुझे 3 ऐड करना है। सो 3 ऐड करने के लिए फिर से सोचने का तरीका सेम है, यहाँ पे मेरे पास 3 बिट्स नीचे अवेलेबल एडिशन के लिए नहीं है, ऊपर का 5 भी यूज हो चुका है, तो हम 3 का बिग फ्रेंड फॉर्मूला यूज करेंगे जो है -7+10। सो -7 यहाँ पे करना पॉसिबल है, -7 मैंने कर दिया, और बाजू वाले रॉड पे मुझे +10 करना है यानी कि इस टेंथ प्लेस वाले रॉड पे मुझे 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे 1 ऐड करने के लिए अभी बीड अवेलेबल नहीं है तो मुझे 1 का बिग फ्रेंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो है -9 और उसके बाजू वाले रॉड पे +10। सो 98+3 का आंसर आ गया है 101 यानी कि 101। अब अगले रॉड पे अगले सम पे जाते हैं। अगला सम है 97+5।
सो प्लस 5 करने के लिए फिर से सेम थिंकिंग है, लेकिन 5 केस में स्मॉल फ्रेंड होता ही नहीं है, 5 के लिए डायरेक्टली होता है या फिर बिग फ्रेंड से मदद से होता है। सो 5 ऐड करने के लिए मैं देखूंगा कि यहाँ पे 5 का बिड अवेलेबल नहीं है एडिशन के लिए, सो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो 5 का बिग फ्रेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। 5 का बिग फ्रेंड फॉर्मूला है -5 + 10, तो सेम थिंक तरीके से करना है। -5 कर दिया, बाजू वाले रॉड पे +10 करना है। यहाँ पे हमारे पास एक भी बीड अवेलेबल नहीं है, तो हमें 1 का जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो यूज करना पड़ेगा। तो 1 का कौन सा बिग फ्रेंड फॉर्मूला, यानी कि -9 और बाजू वाले रॉड पे +10। ओके, सो -9 + 10 करके ये फिनिश हो गया। तो फाइनली 97 + 5 का आंसर आ गया है 102। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक अगर स्मॉल फ्रेंड बिग फ्रेंड को फॉर्मूले की अगर अच्छी प्रैक्टिस कर दी हो, अगर और ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अगर आपको कोई दिक्कत आई हो, तो अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये सिचुएशन में हमें कैसे उसको हैंडल करना है। ओके, सो सेम फॉर्मूले जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी है, स्मॉल फ्रेंड हो या बिग फ्रेंड हो, जो ऑलरेडी हमें पता है, वही फॉर्मूले पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें यूज करके उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो अभी हमने देख लिया वो। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आगे ऐसे सिचुएशन में अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।